आई वॉज लाइक से 15-16 ईयर ओल्ड और समथिंग एंड आई हैड दिस फीलिंग कि कुछ होगा अगेन आई एम गोइंग इन दैट काइंड ऑफ क्राउड सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट अंटिल आई फेल्ट अ मैन ट्राइंग टू टच मी ऑन माई बैक साइड एंड ऑन रोड चलते हो तो डर लगता है कोई टच करेगा कोई इधर से एंड ऑल वो सब हादसे हर दिल्ली की लड़की के साथ हुए हैं दिल्ली और बाकी सिटीज में क्या फर्क होता है व्हाट इज इट व्हाई इज इट लाइक दिल्ली एंड एक्चुअली जब पहले दिल्ली से बाहर नहीं निकली थी वहीं पे स्कूल कॉलेज था तो समझ में नहीं आता था कि ये अलग है क्या मुझे लगता था सारे ही ऐसे होते हैं कि सब में इस तरह की अजीब सी छेड़खानी होगी डीटीसी बसेस बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड इन डीटीसी बसेस मेरे कॉलेज टाइम पे एंड ऑन रोड चलते हो तो डर लगता है कोई टच करेगा कोई इधर से एंड ऑल वो सब हादसे हर दिल्ली की लड़की के साथ हुए हैं कहीं ना कहीं इन डिफरेंट एक्सट्रीम लेवल्स बट मैं जब दिल्ली से बाहर निकली आई हैव स्टेड इन हैदराबाद फॉर 3 years एंड मैं चेन्नई में भी काम कर चुकी हूँ साउथ में इन तमिल एंड तेलुगु बोथ तो आई हैव स्टेड इन दोज सिटीज ऑल्सो बिफोर आई मूव टू मुंबई वहाँ जाके मैंने बहुत डिफरेंस देखा एक्चुअली किसी भी टाइम पे लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं विदाउट थिंकिंग टू मच एंड घर वाले इतना कुछ उनको नहीं पूछ या बोल रहे कि 8 बजे का कट ऑफ टाइम है आपको वापस आना है तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली एक्चुअली रिलेटिवली अनसेफ है इवन फॉर माई पेरेंट्स बैक होम वो जब मैं दिल्ली लैंड करती हूँ तब से उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा अब इसको 8 बजे के बाद हर 15 मिनट बाद कॉल करके पूछना है कि पहुँची कि नहीं घर पहुँची कि नहीं घर बट एट इन मुंबई दे डोंट बॉदर आस्किंग सो दैट्स ऑब्वियसली बिकॉज़ प्रोबेबली ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल देयर और या आई मीन इट इज अनसेफ रिलेटिवली आई मीन दैट्स आई लव माई सिटी बट आई नो दैट्स वन दिस वन प्रॉब्लम दैट इज देयर एंड आई कैन नॉट इग्नोर इट अगर मैं विमेन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस की बात करूँ तो तुम बॉलीवुड के वर्क एनवायरमेंट को कितना सेफ मानती हो एक्चुअली फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं जब मुझे लगा हो कि मैं अनसेफ हूँ ऑन द सेट आई नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज बट काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है और उन्हें मुझे बातें बताई हैं आई थिंक मे बी बिकॉज यू आर एन एक्ट्रेस आफ्टर अ सर्टन लेवल यू इट्स नॉट दैट ईजी टू डू समथिंग टू यू कंपेयर टू यू नो समवन अ गर्ल हु इज वर्किंग ऑन अ सेट ऑन एनी अदर डिपार्टमेंट फॉर दैट मैटर सो आई गेस वहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है प्लस आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट सो तापसी ऑन स्क्रीन तो तुम एक्सपर्ट हो चुकी हो इन फाइटिंग फॉर योर सेफ्टी बट व्हाट अबाउट ऑफ स्क्रीन माई एक्सपीरियंस वॉज आई रिमेंबर नगर कीर्तन होता था आई मीन अभी भी होता है ड्यूरिंग गुरुपुरब सो हम लोग गुरुद्वारे जाते थे एंड यूज टू हैव दीज स्टॉल्स नेक्स्ट टू द गुरुद्वारा गिविंग फूड टू पीपल आउटसाइड सो वो चलते हुए ना इतनी भीड़ होती थी वहाँ पे कि मतलब पीपल आर लिटरली बम्पिंग इन टू ईच अदर एंड पुशिंग ईच अदर एंड ऑल दैट मुझे ना हो चुका था पहले कई बार इंस्टेंस है जिसमें मुझे धक्के लग चुके थे गलत जगह पे एंड ऑल दैट ऑकवर्ड फीलिंग हैड हैपेंड सो व्हेन यू ग्रो अप आई वाज लाइक से 15-16 ईयर ओल्ड और समथिंग एंड चलते हुए मुझे था कि मुझे आई हैड दिस फीलिंग कि कुछ होगा अगेन आई एम गोइंग इन दैट काइंड ऑफ क्राउड सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट अंटिल आई फेल्ट अ मैन ट्राइंग टू टच मी ऑन माई बैक साइड And I could immediately sense, okay, ये shit हो गया And मेरा instant reaction था कि I had my hands on my side. I just grabbed his finger and I turned it totally, like twisted the finger. Oh God. Now, I was so scared, I couldn't look back and even see his face. But I could grab that finger and twist it and just run away. Or not run away, just at least walk fast away from that area. तो ऐसे हादसा हुआ है डीटीसी बसेस में कितना होता है कि लोग जानबूझ के दिल रब देमसेल्व्स ऑन टू यू दैट हैपेंस टू आई थिंक एवरी गर्ल हु यूजेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आई थिंक पीपल आर नॉट जस्ट सेफ इन द रियल वर्ल्ड नाउ इट्स आल्सो अबाउट सोशल मीडिया जैसे ऑनलाइन ट्रोल्स होते हैं आई थिंक विमेन आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग ट्रोल्ड सो हाउ डू यू डील विद दैट अब ऐसा हो गया कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ पब्लिक फिगर एंड पब्लिक प्रॉपर्टी व्हिच इज यू नो गेटिंग ब्लर्ड आउट इंटरेस्टिंग यस यस स्लोली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया क्योंकि उनको लगता है कि वो एक्सेसिबल हो तुम तो तुम कुछ तुम्हें कुछ भी बोल सकते हो ऑफ कोर्स दैट थ्रिल ऑफ यू नो एक्सेसिबिलिटी कि मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी एंड ये पहुंचेगा वहां तक काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं सोशल मीडिया की जो मुझे हर बारी रोक लेती है जब भी मैं सोचती हूँ कि ये ख़त्म करूँ बिकॉज आई हैव दिस डायरेक्ट मीडियम टू कन्वे थिंग्स टू द पीपल हु फॉलो मी तो मुझे कुछ भी कभी मिसकोट कर दे कोई एंड ऑल आई हैव दिस मीडियम टू क्लैरिफाई देन एंड देयर एंड लेट इट रेस्ट बट हाँ उसके अदर साइड देखा जाए तो ये इस तरीके का कोई भी कुछ भी बोलता है देन यू हैव टू फिल्टर थिंग्स इन योर माइंड ये सोच के कि यार मैं इसको
इतनी पावर नहीं देने वाली कि ये मुझे अफेक्ट करे. सो इफ दैट पर्सन इज दैट जॉबलेस और इफ दैट पर्सन इज स्पेंडिंग द टाइम ऑफ हिज और हर लाइफ इन अब्यूजिंग मी और सेइंग थिंग्स टू मी, दैट मींस आई एम इंपॉर्टेंट इन दैट पर्सन लाइफ. ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट गोना लेट दैट पर्सन फील दैट इंपॉर्टेंट.